नन्ही नन्ही जाने आ चली है दुनिया से ये जुल्म का नाम मिटाने आ चली है दुनिया से ये जुल्म का नाम मिटाने ये जुल्म का नाम मिटाने लेके सर हथेली पर ये नन्ही नन्ही जाने आ चली है दुनिया से ये जुल्म का नाम मिटाने ये जुल्म का नाम मिटाने नेहरू जी के अटल इरादे दिल में लेकर आ चले हैं ये भारत के मतवाले ये भारत के मतवाले ये भारत के मतवाले लेके सर हथेली पर ये नन्ही नन्ही जाने आ चली है दुनिया से ये जुल्म का नाम मिटाने ये जुल्म का नाम मिटाने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मम्मी डैडी भी आए होंगे नहीं सरकार वो तो नहीं आए नहीं आए नहीं हमसे बोले कि छोटे मालिक को ले आओ ओके और सुनो कल से हमारे स्कूल की छुट्टियां हैं सब फ्रेंड्स कल हमारी एस्टेट पर आ रहे हैं आज ही सारा प्रबंध करना है हाँ अच्छा मालिक बैठिए बाबू जी सुनिए जी यही है नागर हॉल एस्टेट उतरिए जल्दी करो साहब जी देर होती है थैंक यू ड्राइवर थैंक यू राइट अरे बाप रे किसी छोटे सांड की तरह बेचारा ये हाथी का बच्चा हमारे नगर होले के अंदर कैसे आ घुसा मैसूर जू से भागा ये गोरिला यहाँ चौकीदार कैसे बन गया शट अप हमसे इजाजत लेके अंदर घुसो किस लिए मैंने कहा इसलिए जरा ये बंदूक देख अगर भीतर घुसा तो गोली मार दूंगा ए
मुंह बंद कर अपना। का लटका दिया उतार ले उतार ले। I love you. Let's play the game of sambar. मेरे को मोटा फैंस हिटलर मैदान छोड़ के पुटास का गोली खा गया था मेरे को देख के। कम ऑन ऐसा कम ऑन आजा आजा ब्रुक्स। हाय विक्रम। हेलो रामू। सॉरी सर। ब्रुक्स ये मेरा फ्रेंड रामू है। एक्सक्यूज मी रामू ये हमारा बटलर ब्रुक्स है। प्लीज टू मीट यू। इडली वड़ा सांभर बस मजा आ गया। ओ इंपोर्टेड इडलीस। इंपोर्टेड? यस ब्रुक्स ब्रांड इडलीस। हेलो जी। हेलो विक्रम। हाय नंदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किकी। यानी कि हम पहले आया। एक गंदा इडली सांभर पहले खा गया। नंदी हम भूखा रहेंगे। हेलो 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 जेम। हेलो नैन्सी। हेलो रामू। तो ये तोता परी क्यों साथ लाए? हेलो तोता परी। गुड केकी रामू की छेड़ की अच्छी सजा दी। फोन आया दो इडली बाल्टी पर सांभर खा ले मोटे हाथी ताकत आ जाएगा। डोंट वरी यार। अरे बाप गेंडा इसका शरीर तो लोहे का है। अरे रामू भाई क्या इडली सांभर सब खत्म कर चुके या हमारे लिए कुछ छोड़ा? जरा बुद्धि से काम ले नैन्सी। गधा जब मैदान चरेगा तो बेचारे खरगोश के लिए क्या खाक बचेगा? ए मच्छर कहीं के मुंह बंद कर अपना। ए मोटे भैंसे क्या बोला तो बोल तेरा तो मैं पेट भर दूंगा। हाय फ्रेंड। हेलो। हेलो। अरे सारी पल्टन मुझसे पहले पहुंच गई। अर्जुन अभी नहीं आया। बाण बाण। हेलो अर्जुन। हाय फ्रेंड्स।
फ्रेंडशिप जिंदाबाद, फ्रेंडशिप जिंदाबाद, फ्रेंडशिप जिंदाबाद। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हेलो अर्जुन, क्यों भाई हो गया खाना? अच्छी तरह से। कम ऑन फ्रेंड्स, चलो अपने घर वालों से तुम्हें मिला दूं। चलो फ्रेंड्स, ये मेरी सिस्टर मंजू। हेलो हेलो, ये मेरा जैकी, ये मेरा बहादुर। बहादुर जी नमस्ते। निशाना चूक नहीं सकता। ओहो, देखो बेकार शेकी मत बगारो अपनी। अपनी बेबी को घमंड हो जाएगा। आओ बेबी। मम्मी, डैडी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते अंकल। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं अंकल। गुड। डैडी, मम्मी, अर्जुन, हेलो, रामू, हेलो, जेम्स, हेलो, किकी, हेलो, नैन्सी, हेलो, इंद्रा, हेलो। वेरी गुड, तुम सब यहाँ जी बहलाने आए हो, अच्छी तरह घूमना। थैंक यू अंकल। गुड अंकल, आपका तो परिचय कराया ही नहीं। ये है मिस्टर जॉनी। हेलो, मेरे बॉडीगार्ड। यहाँ चारों ओर घना जंगल है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। यहाँ डाकू भी आ जाते हैं, इसी वास्ते इनको रखा है। अपना बटलर पिकनिक की वैन का बंदोबस्त कर रहा है, तैयार हो जाओ। इडली वड़ा सांबर, मैं सबसे अच्छा बटलर, मैं हूँ टाइटल होल्डर, मैं हूँ अपने देश में सुपर। इडली वड़ा सांबर, मैं सबसे अच्छा बटलर, मैं हूँ टाइटल होल्डर, मैं हूँ अपने देश में सुपर। तुम क्या जानो, बच्चे हो तुम, अभी अकल के कच्चे हो तुम। किटली वड़ा सांबर, मैं सबसे अच्छा बटलर, मैं हूँ टाइटल होल्डर, मैं हूँ अपने देश में सुपर। जापान चाइना से भी मुझको अक्सर आर्डर मिलता। लंदन बर्लिन मास्को में माल मेरा बिकता, जापान चाइना से भी मुझको अक्सर आर्डर मिलता। तनख्वाह बढ़ाने की मांगों से कट गया अपना पत्ता, अरे तुम ही सोचो प्यारे बच्चों, मरता क्या नहीं करता, पेट की खातिर भेस बदल कर बन गया आपका कुकर। वड़ा सांबर, मैं सबसे अच्छा बटलर, मैं हूँ टाइटल होल्डर, मैं हूँ अपने देश में सुपर। शांति दूतों में भी चलता मेरा चक्कर,
मेरा पकाया खाना खाओ एक से एक है बढ़कर क्रांति शांति दूतों में भी चलता मेरा चक्कर मेरा पकाया खाना खाओ एक से एक है बढ़कर जज मंत्री कुली सभी तो खाए मेरा खाना जज मंत्री कुली सभी तो खाए मेरा खाना पेट में जाके काम है जिसका सबकी सेहत बनाना इडली वड़ा सांबर मैं सबसे अच्छा बटलर मैं हूँ टाइटल होल्डर मैं हूँ अपने देश में सुपर Happy birthday to you, baby. Children, हमारी बेबी की बर्थडे पार्टी मना के जाओगे तो इससे हमें खुशी होगी सॉरी अंकल हमने अपने माता पिता को घर पहुंचने का प्रॉमिस किया है कुछ भी हो हाँ अंकल श्योर अंकल यू नो बॉस शहर का ये लड़का लड़की लोगों को अपना स्टेट का एटमोसफियर माफक नहीं आया लगता ये लोग को मत रोको सो तो है अपने लौट जाने से बटलर को रेस्ट तो मिलेगा you, है ना अंकल अच्छा है आंटी अच्छा अंकल बाय 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 रुक बाय मजा आ गया यहाँ के लिखकर खत लिखना नहीं एक घंटे बस अब चल रुक बाय बाय फिर आऊंगा तुमसे मिलने ओह फिर आएगा मिलने का वास्ते हाँ पर तुम अपन को चिट्ठी भेजेगा ना भेजेगा ये वापस आएगा तो अपन छुट्टी ले लूंगा एक वक्त में 50 इडली 50 वड़ा 10 बाल्टी सांबर ओह माय गॉड इंपोर्टेड मैन चलो चलेंगे फोटो जरूर भेजना हाँ आप सचमुच हमारे फ्रेंड्स होते तो बेबी को हैप्पी बर्थडे कहे बिना ना लौटते हमारा कोई फ्रेंड नहीं आप में से कोई फ्रेंड नहीं है ना बेबी लो चाबी सब लोग जाओ बाय बाय सुनो अज्जा भले ही घर में बुरा माने लेकिन हम रुकेंगे नो ऑब्जेक्शन वन सेकेंड हेड और टेल हेड 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 और एक चांस इडली वड़ा सांबर फिर मजा आएगा ऑल राइट बेबी हम सब तुझे हैप्पी बर्थडे कह के जाएंगे ठीक है ना हाँ मैं और बेबी जीत गए तई तका तई 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 तका तई तई जेंटलमैन प्लीज साइलेंस थैंक यू जब अपन लंदन में था तो क्वीन एलिजाबेथ का बर्थडे को गया तब अपन एक स्पेशल परफॉर्मेंस उधर में दिया जिसका सैंपल आज हम बेबी का बर्थडे में दिखलाएगा आप लोगों का मन बहलाएगा आई वांट वन पार्टनर हेलो किंग कॉन्ग कम ऑन मुझे बुलाया Your dear, dear own friend, Balbir Gupta. Mr. Das, सुना है तुम्हारे पास धन दौलत है, बड़ी सुंदर पत्नी है, प्यारे बच्चे हैं और बंगले हैं।
लंबी चौड़ी एस्टेट है, ये पाकर शान और शौकत की जिंदगी गुजार रहे हो, क्यों ठीक है ना? यस, इसीलिए तो आज यहां एक मित्र के नाते तुम्हें बधाई देने के लिए आना पड़ा। आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, ये न्यूज सुनते ही मैं आ गया। हाय बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे दोस्त गुप्ता, कितने बरस के बाद हम मिले हैं? हाँ, 10 बरस, 10 लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स। मीट माय वाइफ त्रिवेणी, मिस्टर गुप्ता। नो, बलबीर गुप्ता। ओ, नमस्ते, बचपन का साथी। चिल्ड्रन, यू एंजॉय द पार्टी। मेरे अजीज दोस्त से मुझे बात करनी है। वेरी नाइस गुप्ता, कम ऑन, चलो। ओ यस, कम ऑन। इतने बरसों से मेरे दिल के अंदर जो आग सुलग रही है, उस सुलगती हुई आग को इस तरह ठंडा करने की कोशिश न करो दोस्त। चीयर। मैं शर्मिंदा हूं गुप्ता, लालच में आके मैं उस दिन दोस्ती की बलि चढ़ा बैठा। मुझे माफ कर दो प्लीज। डोंट वरी, डोंट यू वरी एट ऑल। दास, मैं पक्का बिजनेसमैन हूं, मेरे चंगुल से छूटना कोई मामूली काम नहीं है। अरे मेरी आदत तो जानते हो यार, कनकौआ डोर के सहारे उड़ता है, चाहूं तो डोर तोड़ सकता हूं। बिलाऊ जैसे चूहे के साथ खेलते खेलते उसे मार के खा जाता है, ये कुछ ऐसा ही खेल खेल रहा हूं दोस्त। डोंट वरी, डोंट यू वरी एट ऑल। प्लीज गुप्ता, सारी जायदाद का जी चाहे तो आधा हिस्सा ले लो, ऐसे तिल तिल मत मारो। तुम ये राज मेरे घर में किसी को मत बताना प्लीज। हम दोनों का ये राज नहीं खुलेगा दोस्त, डोंट वरी, डोंट यू वरी एट ऑल। मिस्टर ब्रूस। यस यस मिस। अपना करची हमारे आंख से बांधो। ओह श्योर श्योर, नो नहीं, ओके। वन टू, रेडी मिस। हाँ ये बॉटल ले जरा। थैंक यू मिस। ये बॉटल अपना सिर पे रख के थोड़ा दूर में खड़ा हो जाओ। Oh Jesus, save my life. Thank you, Bruce. Mr. Black Belt Champion, सिर्फ एक बाण तुम्हारे पांव के पास गिरा और तुम चौंक पड़े। देखो उधर, 100 रुपीज मेज पर रखे हैं, निशाना आजमाते हम दोनों। अर्जुन जीते अर्जुन का, जॉनी जीते जॉनी का। ओके, एग्रीड। एग्रीड। Yeah! 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 Yeah
मंजू और बेबी कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ते। रूम में नहीं है वो इतना। सारा बंगला छान मारा मैंने, कहीं भी नहीं। तो नहीं देखा सर। तुम्हें मिले? कहीं नहीं मिले डैड, कहीं नहीं मिले। गोरखा, मंजू बेबी को कहीं देखा? मंजू बेबी नहीं, साथ नहीं देखा। हेलो बलबीर गुप्ता। So much, baby. Very, very so much, bad baby. Morning, friends. Mummy, daddy. घबराने की बात नहीं। बस आके ही होंगे। तलाश बंद कर दो। रो मत, baby. यहाँ है बच्चे। सुनो। Now to business, Mr. Das. अगर अपने इन प्यारे बच्चों का मुंह देखने की इच्छा है तो कल दोपहर ठीक 1 बजे 6 लाख रुपए कैश लेकर मेरी मैदान पहुंच जाओ। तुम अकेले आना। नो ट्रिक्स, नो पुलिस। पुलिस अगर लाए तो बच्चे जिंदा ना देख सकोगे, सिर्फ उनकी लाशें ही देख सकोगे। ओके? ठीक है गुप्ता। ओके, रुपया मिल जाए, लेकिन उस वक्त तक तू मेरे बच्चों को। तेरे बच्चों को? ऑफ कोर्स, खूब ध्यान से रखूंगा उन्हें। इतने साल मुझको जेल के अंदर जितना सुख मिला है दास, उतना ही सुख मैं तेरे बच्चों को दूंगा दोस्त। हेलो 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 हेलो। तो ये क्या बात है? क्या हुआ? सही है ना?
त्रिवेणी, हिम्मत से काम लो, दिल छोटा मत करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कल 1 बजे तक सब्र करो, हमको बच्चे मिल जाएंगे। कल पे क्यों छोड़ा जाए इस बात को? पुलिस को कंप्लेन करो अंकल। पुलिस को मैं फोन करती हूँ। त्रिवेणी, त्रिवेणी, रुक। पुलिस को इतला देने से तुम्हें बच्चे जिंदा नहीं मिलेगा। ओह त्रिवेणी, ऐसे रोक कर धीरे धीरे घटा मेरा, तेरे बच्चे कल वापस आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी अंकल, कल रात पार्टी में आने वाला वो गुप्ता था कौन? ये गुप्ता मंजू बेबी बिना कहे उठ के कहाँ चले गए अंकल? सुनो, अभी तुम बच्चे हो, हद से बाहर मत जाओ, उस खूंखार बदमाश से दुश्मनी मोल मत लो। बात क्या है हमें साफ साफ बताइए अंकल, हम लोग बुजदिल बच्चे नहीं, शेर के बच्चे हैं, कल आपने तो कहा था। शट अप एंड गेट आउट, तुम्हारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे, अपने अपने घर जाओ। ऑलराइट, थैंक यू अंकल। मम्मी, मम्मी, एक और हेलीकॉप्टर लेकर मेरे पीछे आओ, क्विक स्टार्ट। These pieces? Yes, we take all. Is it? Very good. You please go ahead with the packers. I got some urgent work. See you later. Okay. Carry on. See, Mr. Dog, this time we should be very careful.
मगर की बच्ची रो और जोर से रो, इतने जोर से रो कि आवाज तेरे बाप तक पहुंच सके। रो, जोर से रो। पापा ने क्या बिगाड़ा, हमें यहाँ क्यों बंद किया? तेरे पापा ने क्या बिगाड़ा है पूछ पापा से। हमें हमारे घर कब भेजोगे? जल्दी ही। अब हम टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें पार्सल से भेजेंगे। कुत्ते के बच्चे, हमारी जान तूने अगर ली तो डैडी तुझे शूट कर। शूट कर देंगे। दयाराम ये लो चाबुक, जाओ फौरन कैमरा लाओ मेरा। ये पिंजरा चूहों के निकल भागने का नहीं, तुम दोनों की मौत का पिंजरा है। दयाराम कपड़े निकालें। चाहे मुझे मार दे लेकिन मेरी बहन को न मार। ये स्टोर में ले जाओ। दीजिए लेकिन मेरे बच्चों को जैसे भी हो वापस ला दीजिए। अरे पगली, तेरे बच्चे क्या मेरे बच्चे नहीं? पहले मेरे बच्चे लाओ। पहले मेरा कैश। ए, फुल कैश लाने को कहा था ना? सॉरी फ्रेंड, सारा कैश तो अरेंज हो नहीं सका, इसलिए अपनी पत्नी के गहने ले आया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे प्यारे बच्चे मेरे पिंजरे में कितने सुखी हैं, ये है उसका सबूत। धोखा। बदला है ये मेरा, जो कुछ तूने किया उसका ये ब्याज है। इतने बरस तक तेरा मौज उड़ा लेना काफी है। 8 साल तक जो सड़ते हुए जेल के अंदर मैं मरा, उसका फल मिलना चाहिए ना। तेरे बच्चे कितने खुश और सुखी हैं,
इस फोटो के पीछे लिखा है, घर जाकर घर वाली के साथ ध्यान से पढ़ लेना। एक हफ्ते की मोहलत है, ये 20 लाख रुपए ठीक किसी जगह किसी रोज लाकर इंतजार करना मेरा। दास, इन दोनों बच्चों की लाशों का पार्सल भेजने पर मुझे मजबूर न करना। गुप्ता, प्लीज। गुप्ता, और कैश नहीं है, प्लीज। तेरे लिए और कैश लाऊं तो कहां से? और कैश नहीं है, बंगला और जायदाद है ना, इन सब चीजों को बेच दो भाई। तुझे मैं बाजार में भिखारी के भेष में भीख मांगते देखूं, यही तमन्ना है। एक हफ्ता, only 1 week, goodbye। हेलीकॉप्टर जंगल से इस तरफ को आया कि जंगल को ही जाता है। कौन? पापी ने सिर्फ पैसे के लिए इन बच्चों को किडनैप कर लिया। मुझसे बदला लेने के लिए उसने ये काम किया है। आपसे अगर बैर है तो मेरे बच्चों से बदला क्यों? आपका गुप्ता से क्या संबंध है? कहिए, सच कहिए। बताता हूं त्रिवेणी, आज तक मैं ये राज दिल ही दिल में दबाए हुए हमेशा नर्क की आग में झुलसता रहा, लेकिन आज जब मेरे बच्चों की जान खतरे में है तो ये राज छुपाने का कोई फायदा नहीं। 10 बरस हुए गुप्ता बैंक का मैनेजर था, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे, हम दोनों की गहरी दोस्ती थी। इतवार के दिन सर्दी की रेत, समझो मुझे घोड़े के मुंह से खबर मिली है, ये बॉय जो फ्लूक है कल जीतेगा, जिस पर 2 के 10 मिलेंगे। मैं जुए का खेल कभी नहीं खेलता बेटा। लाइफ तो खुद ही एक बहुत बड़ा जुआ, कल हमको रिस्क लेना होगा। तेरा दर दर की ठोकरें खाना बंद होगा और मुझको भी नौकरी से हमेशा के लिए मुक्ति। एक झटका और 10 लाख हमारी मुट्ठी, तेरा 5% कमीशन। एग्रीड, आगे कहो। कल शनिवार बैंक 1 बजे क्लोज होता है, स्टाफ सारा 2:30 बजे बाहर हो जाता है, तुम ठीक 3 बजे बैंक के अंदर आके मुझसे मिलो, कैश रेडी होगा,
अगले दिन रुपए लेके सीधे रेस कोर्स जाके चौथी रेस के अंदर उस फ्लू घोड़े गे बॉय पर लगा दे। सोमवार को बैंक ओपन होते ही कैश लौटा देने से काम बन जाए। बैटिंग के लिए 2 लाख, टैक्स का रुपया साथ में है। मैंने अपनी जिंदगी में भरोसा किया सिर्फ तुम पर। प्लीज बी केयरफुल मिस्टर दास। मैं इस भरोसे की लाज रखूंगा गुप्ता। डोंट वरी। हाँ तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करने की मेरी तो हैसियत ही नहीं थी। दिल की हसरत पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना मंजूर था कि उसी समय यह मौका मुझे मिल गया। तब मेरी अच्छा और बुरा सोचने की हालत नहीं थी। मेरा मन तो हर वक्त त्रिवेणी त्रिवेणी जपता रहता था। यानी मुझसे शादी करने के वास्ते अपने ही दिल से विश्वासघात किया? हाँ त्रिवेणी, मैं ये भूल कर बैठा। हाँ, आपकी भूल की वजह से आज हमारे बच्चों पर ये मुसीबत आई है। सुनिए, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी पाऊंगी। या तो बच्चे ला दो मुझे, या फिर अपने हाथों से गला घोंट दो मेरा, मार दो मुझे। त्रिवेणी, मैं मजबूर हूँ। ये बंगला एस्टेट बेचने पर उतना कैश इकट्ठा नहीं हो सकता। डैडी, अगर चाहे तो आप मुझको बेच दें, पर आज डैडी कहने को जी नहीं चाहता। नो नो चिल्ड्रन, जो भूल मैंने की है खुद मुझे उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। इस झगड़े में तुम लोग मत पड़ो, तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को पसंद नहीं करेंगे। सीधे यहां से अपने घर जाओ। I say all of you get out. All right. Oh God. मुझे बेबी पर क्या गुजर रही होगी? एक माँ के दिल का दर्द आप कैसे समझेंगे? त्रिवेणी। त्रिवेणी। Please leave me alone. Friends, हमारी मंजू ने रोते हुए डैडी को लेटर में क्या लिखा है पता है? लेटर? हाँ, फोटो के पीछे लिखा है। डैडी, आपसे बदला लेने के लिए आपका दोस्त हमें यहाँ उठा के ले आया है। वो मुझे बेबी को खूब मारता है, पीने को पानी तक नहीं देता। बेबी हर वक्त मम्मी के लिए रोती है। हमें छुड़ा के ले जाओ डैडी, नहीं तो वो हमें मार डालेगा।
जिन गालों को आप प्यार से चूमते थे, पिटते पिटते अब उनसे खून बहने लगा। जल्दी आ जाओ डैडी, मम्मी को भी साथ लाना। तुम्हारा पास 6 लाख कहीं शुभ है? जेम्स। हाँ यही। करेक्ट। चिकमंगलूर जिले में एक पुराना किला है जिसके चारों ओर 100 मील तक बियाबान जंगल है। आगे पढ़ो। इस किले तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है, मगर एक साहसी ब्रिटिश मुसाफिर एक बार बड़ी मुश्किल से इस दुर्ग में पहुंच सका। दुर्ग की मूर्तियों और शिल्प का काफी बखान किया है उसने। एक अरसे से फिर वहां कोई भी पहुंच नहीं सका। कर्नाटक में 1639 से 1682 ईस्वी तक इस प्रांत पर राज्य करने वाले नरेंद्र देव महाराज ने अनमोल वस्तुओं को छिपाने के हेतु इस दुर्ग का निर्माण किया था, ऐसी दंतकथा लोगों में प्रचलित है। ये प्राचीन दुर्ग जिले की मनोरम पर्वतमाला चंद्रगिरी के ठीक पश्चिम में है। छोमी, देखो ये राजा नरेंद्र देव का फोटो, और बुक का अंदर जो राजा का फोटो है दोनों एक है, इसलिए ये गुप्ता मंजू बेबी को इस बुक का अंदर जो किला है उसमें रखा होगा। चंद्रगिरी से सीधा पश्चिम में हमारा स्टेट है नागरहोले। अर्जुन, बम्पर आइडिया, जगह हमने ढूंढ ली, चलो पुलिस को बता दी। एकेंडे, जोर से मत बोलो। पुलिस को इत्तला दी तो मंजू बेबी को काट कर पार्सल बनाकर भेज देगा बास्टर्ड गुप्ता। पुलिस को बताने से कोई फायदा नहीं, हमें खुद उस किले के अंदर किसी तरह भी घुसकर मंजू और बेबी को छुड़ाना पड़ेगा। हाँ, छुट्टियां तो है ही, चलो एडवेंचर भी हो जाएगा। एडवेंचर नहीं नैंसी, वॉर, युद्ध। फ्रेंड्स, हम लोगों को किले में पहुंचना ही होगा, चाहे जंगल में हम पर कितनी ही मुसीबतें आए, जरूरत की सब चीजें साथ में ले जानी होंगी। ओके, यस, कम ऑन। चिल्ड्रन, तुम लोग बहुत छोटा है, तुमसे इतना भयानक जंगल में कुछ भी तो नहीं होएगा। इट्स हाईली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मिस्टर ब्रुक्स, हम लोग मेंढक का बच्चा नहीं जो सांप का बच्चा से डर जाएगा, हम लोग शेर का बच्चा है। मंजू और बेबी की क्या हालत होगी ये पता है? बटले, मंजू और बेबी से तुम्हें जरा भी प्यार नहीं का? लॉर्ड जीसस, अपना बच्चा लोग का जाने से दिल को चैन नहीं है, चैन नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें वचन दो, जब तक हम लोग वापस न लौटे ये बात किसी को नहीं बताओगे। अगर कहा तो मंजू और बेबी की मौत तुम्हारे सर होगी। नो नो नो। मिस्टर ब्रुक्स, बच्चे अच्छे काम के लिए जाते हैं तो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, हमारे लिए आप ही बड़े हैं, आपसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपा करके हमें ब्लेसिंग दे के बिता दीजिए। प्लीज दोस्त अंकल, प्लीज। ओ जीसस, प्लीज अंकल, आप उनका ब्लेसिंग है, ये जर्नी सक्सेसफुल हो। जीसस क्राइस्ट तुम लोग का रक्षा करेगा। क्रॉस पर हाथ रखकर कहता है अपन तुम लोगों का लौटने तक ये बात किसी को नहीं कहेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Come on.
झूल। कम ऑन रामू। फ्रेंड्स, ये तो जानते हो ना कि हम लोग जंग को जाता है, हम लोग आर्मी है, हमारा आर्मी का एक जनरल भी होना, किसी को जनरल बनाओ, एक फ्लैग बनाओ। आप टाइम वेस्ट मत करो, रेडी जेम्स? नो, इसके लिए टॉस करो, हेड और टेल। ओके, टेल। हेड। कैरी ऑन। आज से मेरा बात मानो सब लोग। हमारा फादर आर्मी में बहुत बड़ा जनरल था, देश का सेवा में प्राण दे दिया उन्होंने। दादी दादी चिंता बहुत। हम स्टूडेंट्स हैं, आर्मी के क्या क्या रोल्स हैं, वी ऑल नो। करेक्ट, हमें लीडर बनाना पड़ेगा किसी को। हमारे अर्जुन को लीडर बनाओ। अर्जुन। ओके ओके फ्रेंड्स, आपकी जैसी इच्छा। जेम्स, फौरन झंडा बनाओ। इंदिरा, कर्चीफ दो। विक्रम, जरा स्टिकर निकालो। ये लो। संतान हम हैं, वीरों की संतान। शेरों की संतान हम हैं, वीरों की संतान। जम के लड़ी ऐसे बढ़े जैसे बढ़े तूफान। शेरों की संतान हम हैं, वीरों की दुश्मनों और गद्दारों से लड़ना है हमको, तो आ चलो। उनको मिटा के ही दम लेंगे, पत्थरे में है अपनी बात। चलो, हम चलते रहेंगे कांटों पर, पिघला के रहेंगे हर पत्थर। किसी से हम न डरेंगे, शेरों की संतान हम हैं। सच्चाई नहीं खाती धोखा, इंसाफ कभी नहीं हारा है। धर्म भी हमको प्यारा है, कर्म भी हमको प्यारा है। के चलते हैं सीना, मर्दों की तरह मरना जीना। सबकी विजय है, यही कहेगी तो पूरा।
जनरल अपना लगेज गायब हो गया। हमारा लगेज किधर गया? मेरा ब्रेड बिस्कुट कोई ले गया जनरल। हाँ हाँ, जब हम सब लोग सोता था सारा सामान चोर उठाकर ले गया होगा। चोर भाग के किधर में गया किकी को मालूम, इसीलिए कमान बोलता है। करेक्ट, सब लोग किकी को फॉलो करो। हरिया शराब लेके जाता है तो इन गधों को किले में जाने का रास्ता मालूम होगा। अपनी फौज और घोड़ा का सवारी भी तो मांगता, गधे से घोड़ा का काम ले तो कैसा रहेगा? गुड, बम्पर आइडिया। अंकल, बेबी को भूख लग रही है, खाना दे दीजिए। क्या तुझे नहीं लग रही? लग तो रही है,
चाहे मुझे कुछ न दे, बेबी को एक टुकड़ा ब्रेड देना अंकल। ये ले। तू भी खा, तेरी बेबी भी खा। तो ये छूटे? तेरा पापा यही खाकर मौज उड़ाता रहा, यही झूठन खाकर आज तुम भी जियो। खाओ। केविन, ऐसे खाना खा तू हमें मत दे। बेबी, छूटा है ये, फेंक दे इसे। यो, कम यार। एक मोटी सी सलाख आग में गर्म कर लो, इस पगली के हाथ और पैर दाग दो, और फिर थोड़ी सी बैठ दे दो। जिए तो मर मर के, मरे तो तड़प तड़प। जेम्स, बहुत भूख लगी है दोस्त। लगा तो है। जेम्स, बच्चे को बिस्कुट दे दो हर एक को। ओके जनरल। अपना पेट तो बहुत बड़ा है जनरल, वन बिस्किट नहीं चलेगा। जनरल, सब लोग आधा बिस्किट दे रामू को। इंसल्ट, बस करो बस, बिस्किट नहीं चाहिए मुझे। जनरल, जबरदस्त बास नाक में आता है। कम ऑन। धीरे चलो ना, पक्का कटहल। Oh, my God.
अर्जुन, गणेश जी। गणेश जी। ओ माँ, सारे गधों को मार मार कर जख्मी कर दिया नाथियों ने। रेड क्रॉस रूल्स मालूम, सबका जख्म को पट्टी बांधना पड़ेगा। सारे गधे ढूंढ लाए तुम लोग जेम्स? मेरा गधा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा। गधा सोचा होगा, इस दो गधा का बोझ ढोने से तो अच्छा है हाथ ही कसून का झटकों से मारूं, मरने चला गया। बक बक बंद कर। रामू, जेम्स, चलो घायल गधों के जख्मों में पट्टी बांधो। ये जनरल। मिस्टर दास, कितने फोन किए हमने आपको, कितने खत लिखे, मगर कोई जवाब नहीं। हमसे इस पर्देदारी की वजह? कहिए, हमारे बच्चे कहाँ हैं? कहिए ना, आपने अगर उनको घर भेजा है तो अब तक अपने घर पहुंचे क्यों नहीं वो लोग? कहाँ गया मेरा बेटा रामू? मेरा बेटा अर्जुन अर्जुन के समान है, वो भटक नहीं सकता। मैंने इंदिरा को बहुत बार समझाया, रोज रोज यूं भटकना बड़ी बुरी बात। बोली, माँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, मैं उसकी बात मान बैठी। मैडम, सिर्फ आपके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे भी खो गए। अपने लड़की लड़कियों को खोकर आपसे भी ज्यादा संकट में फंस गए हम लोग। तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? पुलिस से क्यों डरते हैं मिस्टर दास? आपको छोड़कर बच्चों का ठिकाना कौन जानेगा? नैंसी और जेम्स का फादर नहीं, हम दोनों को अपना जान से बढ़ कर पाया। ओ गॉड। मिस्टर चंद्रपाल, अब और देर करना बेवकूफी है, चलो फौरन पुलिस में कंप्लेन कर दें। जरूर, आजकल किसी का क्या भरोसा, कौन जाने बच्चों को बेचने वालों के साथ ये भी मिले हो। हे भगवान। नॉनसेंस, साइंस इसी में है कि हम फौरन पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दें। करेक्ट मिस्टर डैनियल, आपने ठीक कहा। नो नो। अरे बदले, इस गैंग का साथी तुम भी हो? व्हाट? No. देखो बटलर, इस दुनिया में ये दोनों बच्चे मेरा लाइफ है, तू भी क्रिस्टीन है, जीसस का वास्ता, मेरे बच्चे कहाँ है बताना। डोंट यू नो, डोंट यू नो। तुझको कसम क्रॉस का। ओह गॉड, जीसस, उस दिन हम क्रॉस पर हाथ रखकर कसम खाया किसी को नहीं बोलेगा, आज वही क्रॉस का हमको खसक दिया जाता है। I am helpless. Oh God, save the children, जानता हूँ। ब्रूक्स। Yes sir. सच कहते हो ब्रूक्स? Believe me madam, God promise. मंजू और बेबी को छुड़ाने के वास्ते जंगल के अंदर बच्चा लोग पुराना फोर्ट में गया। Really? Yes sir. हेलो, पुलिस स्टेशन। मात्रो बेबी, सो जा बहन, अच्छी बहन, डैडी मम्मी आएंगे। ओ मात्रो बहन, सो जा। अंकल, बेबी को बहुत बुखार है। बुखार है? जेल के अंदर मुझे भी बुखार आया था। डॉक्टर ने इलाज तो किया होगा आपका अंकल? क्यों नहीं। वो सरकारी जेल थी, हर दवा थी वहां, ये तो दगा की जेल है, यहाँ कोई इलाज नहीं। छिपकली, क्यों तुझे भी बुखार नहीं आया? अरे तू क्यों अब तक बची है?
तू और तेरी ये बहन कुत्ते के बच्चे की तरह तड़पो। तुम्हारा रोना टेप करके कल तुम्हारे पिता के पास भेजूंगा। कुत्ते के बच्चे मीना, ईश्वर बचाएंगे। ईश्वर? तेरा ईश्वर यहाँ पर आया तो उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ऐसा क्या अन्याय किया है मैंने कि ईश्वर ये सजा दे रहा है मुझे? ईश्वर परीक्षा लेता तो ऐसे ही करता, पहले आदमी को कष्ट देता लेकिन बाद में जब सुख देता तो हमेशा का वास्ते सुख देता। तैर के उस पार जाना कोई खेल नहीं। नो जनरल, अगर हम मंजू बीबी को बचाने पर कमर कसा है तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसको पार करने के लिए इसका ऊपर में पुल बांधो। गुड आइडिया जेम्स, लेकिन इस जगह पुल बनाना असंभव। जनरल, हम किनारा किनारा आगे बढ़ेगा, अगर नदी का धार कम चौड़ा होगा हम उधर पुल बांधेगा। जेम्स, सोच के बात करो। नॉनसेंस, देश पर जान देने वाले जनरल का बेटा बिना सोचे कुछ नहीं कहेगा। अरे कम ऑन। बनाए मिलके पानी में रास्ता,
जग झुक जाए वो हिम्मत है हमें। Come on.
ये मेरे बेटे विक्रम का है। Is it? बहादुर बच्चा है मिस्टर दास। सरकार की आंख में धूल झोंकने वालों को और गैर कानूनी लोगों को ढूंढ कर उनसे टक्कर लेकर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, ये तो कमाल। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है मिस्टर दास। इंस्पेक्टर क्विक। फ्रेंड्स सब थक गए होंगे इसलिए हम यहाँ कैंप बनाएंगे। ओके जनरल। हाँ
था। इंदिरा देखा इसको? आराम से खाने तो देता, क्या है वो? सिर और टांग इस मच्छर को मिली है। ने, घोड़े का नसीब में अच्छा खाना तो गधा काय को जले। मुंह बंद कर अपना। अपन मुंह काय को बंद करूं? मुंह खोलेगा आ तो खाना होगा। जेम्स, रामू, हम लोग एक ही आर्मी के सोल्जर्स हैं। आपस में लड़ते रहे तो आर्मी का अनुशासन कैसे होगा? है? देखो जनरल, ये मच्छर मुझे जब देखो तब गुस्सा दिलाता रहता है। ये हाथी का बच्चा क्यों मुझे? मुंह बंद कर। तू मुंह बंद कर। तू मुंह बंद कर। तू मुंह बंद कर। तुम दोनों मुंह बंद करो। आज से ना कोई भड़केगा और ना कोई भड़काएगा। ओके? I'm sorry जनरल। क्षमा कीजिए जनरल। I'm sorry friend। ना मैं तुझे गुस्सा दिलाऊंगा ना तू गुस्सा दिलाना मुझे। ओके ना? अब से हम दोनों दोस्त हैं, ओके? एकदम पक्के दोस्त। विक्रम, खाना क्यों नहीं खाता? खाया नहीं जाता। मंजू और बेबी को खाना खाने को मिला होगा या नहीं? ये फिक्र हमको भी है दोस्त, लेकिन इसी सोच में अगर हम खाना छोड़ते हैं तो कल शत्रुओं से युद्ध में कैसे जीतेंगे? विक्रम, हम लोग किले तक पहुंच गए, अब सिर्फ मंजू और बेबी को छुड़ाना बाकी है। कौन लोग हैं मालूम करना पड़ेगा हमें। कमान चलो चलो। जेम्स, विक्रम, कम ऑन।
ये मूर्तियां किले से चुराया गया होगा। इस मूर्ति से गुप्ता का कोई ना कोई संबंध लगता है मुझे। ये शैतान गुप्ता बच्चे ही किडनैप नहीं करता, जरूर स्मगलिंग भी करता है। करेक्ट जनरल, हम इस भेद का भांडा फोड़ेंगे। फ्रेंड्स तुम यहीं ठहरो, मैं लगाता हूं पता। ओके ओके जनरल, गुड लक। थैंक यू। कौन? किसने भेजा तुम्हें?
बोलो, चलो दिखाओ। अरे बोल, गुप्ता के कुत्ते, थू, कहाँ छपा है गुप्ता? पता नहीं। बच्चे कहाँ है? जवाब दे। मालूम नहीं। कहाँ है बच्चे? ए गैरी, नन्हे बच्चों पर क्या दिखलाता है बहादुरी? ताकत है तो मुझसे आगे भेड़। रामजादे, अब उसे गाली देना फिजूल है। ये गुप्ता के कुत्ते और जो मूर्तियां हाथ लगी हमारे, इन्हें यह रोक कर उस गुप्ता को हमें खबर भेजे कि हम पुलिस को खबर देने जा रहे हैं। ये खबर मिलते ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। गुड प्लान जनरल। आप उनको मंजू बेबी मिलेगा तब छोड़ेगा हम इनको, अगर नहीं सीधा जाकर पुलिस को सारा बात कह देगा हम लोग। करेक्ट जेम्स, लेकिन इस गुप्ता को ये इतला देने के लिए वहाँ भेजोगे किसको? खाके जो मोटा हो रहा है ना उसको। शेम नैंसी। फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ मैं मिलिट्री जनरल का बेटा हूँ, ये बात मत भूलो। युद्ध से पहले हाथ में सफेद झंडा और शांति का संदेश लेकर मेरे को जाने दो। सॉरी जेम्स, दुश्मन के कले के अंदर मैं किसी को अकेला नहीं भेज सकता। जनरल, आपका रामायण के अंदर अकेला हनुमान राक्षस रावण का लंका जलाकर वापस नहीं लौटा था क्या? वो और जमाना था। जमाने के माफिक बुद्धि और बल भी चेंज होता। जनरल, आज इस राक्षस के वास्ते मैं हनुमान बनेगा। फ्रेंड्स, ये फैसला वोटिंग से होगा। जेम्स को ना भेजने वाले हाथ उठाए। साइलेंस। आपने हाथ उठाकर शांति दूत बनने का दावा मुझे नहीं दिया। कोई बात नहीं, आपका ये फैसला मुझे मंजूर नहीं, इसलिए फैसला इशू पे छोड़ दो। इशू का फैसला अपन को मान नहीं पड़ेगा, आपको मेरा कसम है। फैसला टॉप से होगा। हेड और टेल? टेल। हेड। एम्बेसडर, शांति दूत। शाबाश, आज तेरी हिम्मत को मान गए सन। तेरे जैसा गुर्राने वाला कुत्ता हमारा फौज को रोक नहीं सकता। युद्ध से पहले अमन का सफेद झंडा लेकर तेरे पास आया है। ऐसे ले उठा बंदूक। गुड, वेरी गुड। हमको तेरा तारीफ नहीं चाहिए, हमारा बात सुनो। तेरा साथी लोग किले से चोरी चोरी जिन मूर्तियों को बाहर लाया, उस सारा के सारा मूर्ति हमारे हाथ में आ गया है। हमारा जनरल अर्जुन संदेश दिया कि फौरन मंजू और बेबी दोनों हमको सौंप दो। नहीं सौंपा तो हम फौरन पुलिस को खबर कर देगा, तुम्हारा किले को आग लगा देगा, समझा? हाँ बस, आप इसे बच्चा ना समझना, ये तो जबरदस्त बला है। यूं समझ लो शैतान का बच्चा है। इस बकरी के बच्चे को
वही पकड़ कर जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया? एक इधर, हम बकरी का बच्चा नहीं शेर का बच्चा है। तेरा भला इसी में है कि दोनों बच्चों को हमारे साथ भेज दे, नहीं तो हमारा पौच तुझे जमीन में गाड़ देगा। आज पहले तेरा काम तमाम करूंगा और फिर तेरी चिड़ी मार सेना को जमीन में दफना दूंगा। Take that! Hands up! Turn! Turn, I say! हम सब तुम दोनों को छुड़ाने को आया है। से पेट काफी देर हो गई। रामू, जेम्स अभी तक नहीं आया। ये पुल उन्हीं बच्चों का बनाया हुआ मालूम होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं इंस्पेक्टर, मंजिल तक पहुंचने के लिए ही इसे बच्चों ने बनाया है। इट्स अ वंडर। बच्चों के अंदर 100 हाथियों का बल आ गया, ये उन्हीं का काम है। लेकिन हम नदी कैसे पार करें? यहाँ से तो नहीं कर सकते, थोड़ी दूर जाने पर एक पुल है, उसी पुल से पार कर सकेंगे। इंस्पेक्टर, हमारी देरी से बच्चों पर मुसीबत आ सकती है, हमें जल्दी उस किले में पहुंचना चाहिए। जान, स्टेट में जाकर मेम साहब से कहना बच्चों का पता मिल गया, हम उन्हें वापस लेकर आते हैं। ओके बॉस। कम ऑन इंस्पेक्टर, कम ऑन क्विक। Thank you.
के साथ एक लड़की और थी। और थी? यस। वो लड़की कहाँ है? मालूम नहीं, सिर्फ यही चार हमें मिले। जाओ पकड़ो उसे। चलो जल्दी करो, धूप चली जाएगी। रेडी करो, रेडी। अरे अभी तो मेकअप भी कर रहा हूँ। अरे तुम हटो बीच में से। कैमरा रेडी? रेडी सर। साउंड रेडी? रेडी सर। स्टार्ट। कट 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 इट। ये तोता बीच में से कहाँ से आ कबका पता नहीं। अरे स्क्रिप्ट तो संभाल, क्या शानदार शॉट था। ओहो बोलने वाला तोता। हाँ हीरो के हाथ पर बैठने से तोता बोल पड़ा तो क्या मुर्गी का बच्चा भी बोलेगा। मुर्गी का बच्चा बोलेगा, रात को जब उसे खा लोगे तो पेट में बोलेगा। डैमेजिंग स्टेटमेंट। स्टेज का नाम ही हीरो हूँ, लोग मेरी कला का लोहा मानते हैं और तू मेरा मजाक उड़ाती है। ये क्या मुझे तू कहा? हाँ बोलूं फिर? बदतमीजी ना करना। बदतमीज कहा? तू चुप रह। ओह मैंने तुझे झगड़ा नहीं करते, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। मुझसे क्या कहते, इनको समझाइए। बोलने वाला तोता, अब तो जानवरों की फिल्म हम लोग भी बना सकते हैं। नोट इट, नोट इट। डेंजर कम ऑन कम ऑन, डेंजर डेंजर कम ऑन कम ऑन। ये कहाँ ले जाना चाहता है हमें? स्वागत जी, है तो ये तोता मगर इसमें बुद्धि भी है। चलो चल के देखिए कौन सा डेंजर है। पीछा करें, पीछा कर। बेहोश हो गई। हटो, रास्ता छोड़ो, हटो। इसे कैंप में लिटा दो ले जाकर। अरे संभाल के लेके, संभाल के। सब लोग अंदर मत आओ।
उलझे नाटक की हीरो आप हो ना, समाज फिल्म की हीरोइन मंजूषा आप हो ना। स्वागत अंकल। मंजूषा आंटी, गुप्ता नाम के एक स्मगलर ने खूब मारा मेरे दोस्तों को और किले में ले गया। प्लीज हेल्प मी अंकल, हेल्प मी आंटी, प्लीज। ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? ये बात पुलिस को नहीं बता सकते, जो ऐसा किया तो वो रास्कल हमारी मंजू और बेबी को जान से मार देगा। मंजू बेबी? हाँ, हमारे फ्रेंड विक्रम की बहन है। फिल्म के हीरो बड़े वीर होते हैं ना, हर पिक्चर में हीरो विलन के हाथों से भले लोगों को बचाता है। स्वागत अंकल, अमिताभ बच्चन को जानते हैं ना, आप भी उसकी तरह गुप्ता को टिशू टिशू करके उड़ा दो। आप मेरे फ्रेंड्स को बचा लो अंकल, प्लीज प्लीज बचा लो अंकल, हेल्प मी आंटी, प्लीज। मगर इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? पुराने किले के। बच्चे भाग जाए। बस बस, कोई भेदिया किले में घुसकर बच्चों को छुड़ा लेगा। बस वॉच यू फूल्स, किले में घुसने वाला दुश्मन वापस न जाने पाए। जाओ। मुट्ठी मौत का पिंजरा है चिल्ड्रन, और इस पिंजरे को तोड़कर यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। इस मजबूत मौत के पिंजरे को मिनट भर में मैं तोड़ के रख दूंगा। तेरे अंदर अगर ताकत है तो झुका मेरी बाय। अरे कहाँ है जाता है? Thank you.
दीदी। वेरी गुड, असली हीरो तो तुम हो। मिस्टर स्वागत। मिस मंजूषा, ऐन मौके पर पहुंचकर आप इनकी मदद न करते तो सिर्फ बच्चे नहीं, ये शेर बच्चों की सीना खत्म हो जाती। इस तारीफ के काबिल हम लोग नहीं, ये सारे बच्चे। शोली, जीत इन शेर बच्चों की जीत। हमने बच्चों को बचा लिया लेकिन जेम्स को खो दिया। अर्जुन, सबर करो, सबर करो, चलो आओ राम। जेम्स बेटे, सारी जिंदगी तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं भी रख दे। बात बात पर तू झगड़ा करता था, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मैं तुझसे कहा करता था, और आज सचमुच तूने अपना मुंह बंद कर लिया। चैन अब मैं झगड़ा करूंगा। लिखी जाएगी कहानी, लेके सर हथेली पर ये नन्ही नन्ही जाने, आ चली है दुनिया से ये जुल्म का नाम मिटाने, ये जुल्म का नाम।